बस हो गया, अब मैं आगो जान से बात करूंगा हम दोनों के लिए। जैसे लास्ट टाइम की थी वो तो गलत फहमी थी। तब क्या खुश फहमी है? तुम्हारी इसी एटीट्यूड की वजह से मैं डरा हुआ हूँ। पता है कल रात में ख्वाब में एक शूटिंग स्टार देखकर दुआ मांगी थी कि हमारी शादी हो जाए, और वो वापस ऊपर जाके जुड़ गया। इस हंसी को हाँ समझो जी नहीं, जब तक उम्मीद के मसले हल नहीं हो जाते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद के मसले कभी हल नहीं होंगे समीर, इतनी बुरी बात है। मसले खड़े करना उसकी हॉबी है, ये मसला अगर रिजॉल्व हो गया तो एक दूसरा खड़ा हो जाएगा। तुम कितने बुरे भाई हो, मुझे तो बात ही नहीं करनी। मुझे भी बात नहीं करनी। सजा नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। और फरजाद ने तुम्हारे बारे में जो बातें की हैं वो तो? भाई आपकी कॉल आ रही है। ओ वाओ, उम्मीद की कॉल। ऐसा क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान? मेरी साइड से तो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप एक कॉल रिसीव करने दें तो पता चल जाएगा आपकी दोस्त के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ हाँ करें, रिसीव करें, बल्कि उससे सुलह भी करिए। हेलो, जल्दी कहें, जो भी कहना 10 मिनट आपके पास, फिर मेरा बेड टाइम है। मिल गया सुकून, हाँ आ गया करार। मेरी नींद हराम करके खुद आप सोने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों की जिंदगी हराम करके आपको नींद आ कैसे जाती है। क्या मेरी बात सुने, आप अपने काम से काम नहीं रख सकती? और अगर यही बात मैं आपसे कहूँ, ये जो आए दिन आप मेरी जिंदगी में हलचल मचाकर चले जाते हैं उससे आपको क्या नफलों का सवाब मिलता है? देखें, I know मेरी वजह से आपको डांट पड़ी है, I am sorry, happy? हाँ, डांट के लिए सॉरी, और वो जो आपकी वजह से मुझे वलीद के पल्ले बांधा जा रहा है उसका क्या? आपकी वजह से मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। देखिए उम्मीद, मुझे सिर्फ सच बोलने और सच सुनने की आदत है, इसलिए झूठी सच्ची कहानियां सुना के मुझे बेवकूफ मत बनाए। बाय। ये देखा तुमने, मैं सॉरी कह रहा हूं और आगे से मुझे फिर एक नई कहानी सुना रही है। भाई आप जो भी बोले, मैं अभी भी आपको ये कहूंगी कि उम्मीद ऐसी लड़की नहीं है। तुम और उम्मीद ना मुझे पागल कर दोगे। उसका तो नहीं पता, लेकिन जितना आप उसके बारे में सोचते हैं ना, अगर उसे पता चल गया ना तो वो जरूर पागल हो जाएगी।